हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मधु एबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो राइस। एक आधा गिलास चावल को अच्छा से धो लीजिए और 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिए। चार बड़े साइज का टमाटर लीजिए, इसको रफली काट लीजिए, धोकर काटना है। एक कुकर को गैस पर बैठाइए और कुकर को गर्म होने दीजिए। कुकर गर्म हो जाए तब इसमें 4 चम्मच तेल डालिए। तेल गर्म हो जाने के बाद में आधा चम्मच जीरा डालिए, 2 दालचीनी डालिए, 1 हरी इलायची डालिए, 3 लौंग डालिए, 10 काली मिर्च डालिए, 2 लाल मिर्च डालिए और धीमी आंच पर इसको भूनिए। फिर 2 तेज पत्ता डालिए, इसको भी धीमी आंच पर भूनिए। जब भून जाए तब 1 बड़ा साइज का प्याज बारीक काट कर डालिए। फिर 3-4 हरी मिर्ची को बारीक काट कर डालिए। फिर इसे भून लीजिए, हल्का भूनना है, मीडियम आंच पर भूनना है। फिर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए, फिर मिला लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए और मिला लीजिए। फिर इसमें कटा हुआ टमाटर डालिए, इसको प्याज के साथ हल्का गलने तक पका लीजिए। रुक रुक कर पकाइएगा। देखिए इसी तरह पकाना है, रुक रुक कर पकाना है। फिर इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालिए, फिर इसमें को मिला लीजिए। जब हल्का टमाटर गल जाए तब इसमें चावल डालिए। फिर इसे टमाटर के साथ में चावल को मीडियम आंच पर 5 मिनट तक इसी तरह भूनिए। अगर रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालिए, इसको भी मिला लीजिए। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए और इसको भी मिला लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालिए। अगर आप लोग घर में बनाई हैं तो वो डाल सकती हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने दुकान का मंगवा कर डाला है। फिर इसे मिला लीजिए। एक गिलास पानी डालिए और इसे चला लीजिए। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालिए
और इसमें उबाल आने दीजिए। जब उबाल आने लगे तो एक चम्मच घी डालिए और कुकर में ढक्कन लगा दीजिए। और मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक पकाइए। जब 2 सीटी आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब गैस अपने आप जब निकल जाए तब कुकर को खोलिए। कुकर एकदम पूरा तरह ठंडा होना चाहिए, तब कुकर को खोलिएगा। देखिए हमारा टमाटो राइस बनकर तैयार हो गया है। ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे फेसबुक को भी सपोर्ट कीजिए। इस चावल को आप रायता सैलेड के साथ खा सकते हैं या अपने घर का अचार है, अचार के साथ भी ये टेस्टी लगेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।